शहर के आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हर साल की तरह इस साल भी 19 फरवरी को स्वर्गीय नवीन जैन सेठी की स्मृति में अंतर विश्वविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक अनूप गुप्ता एवं मंत्री निर्मल कुमार जैन के संरक्षण और प्राचार्य के निर्देशन में पिछले 20 वर्षों से संचालित यह वाद विवाद प्रतियोगिता प्रदेश ही नहीं देश भर के बौद्धिक विमर्श के जगत में मील का पत्थर साबित हुई है। प्राचार्य डॉक्टर जयवीर सिंह ने आई इंडिया को बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। प्रतियोगिता का पंजीयन सुबह 8 बजे से तथा प्रारंभ लॉटरी विधि से 10 बजे से किया जाएगा। इसमें प्रथम विजेता टीम को 31,000 रुपए व शील्ड, द्वितीय विजेता टीम को 21,000 रुपए व शील्ड, तृतीय विजेता टीम को 11,000 रुपए व शील्ड प्रदान की जाएगी। व्यक्तिगत प्रथम विजेता को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। ये जो कार्यक्रम है विगत 20 सालों से महाविद्यालय में हो रहा है अंतर विश्वविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसका इस बार का विषय है वैश्विक परिदृश्य में गांधी का अहिंसा दर्शन आज भी चुनौतीपूर्ण है। इस विषय पर विविध विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के दो छात्रों की एक टीम जो एक पक्ष में एक विपक्ष में बोलने के लिए आती है, और इस बार जो है ये कार्यक्रम 10 नवंबर को प्रस्तावित रहता था, कोरोना काल के चलते ये 19 फरवरी को कार्यक्रम आयोजित। कॉलेज में पत्रकार वार्ता के दौरान समारोह की संयोजक डॉक्टर यामिनी शुक्ला ने बताया इस बार प्रतियोगिता का विषय वैश्विक परिदृश्य में गांधी जी का अहिंसा दर्शन चुनौतीपूर्ण रखा गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर राणा कृष्णपाल सिंह तथा विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार व प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रईस सिंह होंगे। उद्घाटन में जिलाधिकारी सीतापुर विशाल भारद्वाज तथा समापन व पुरस्कार वितरण अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव दीक्षित द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। निर्णायक मंडल में महर्षि विश्वविद्यालय लखनऊ विज्ञान संकाय की डीन प्रोफेसर मधुलिका सिंह, LBS कॉलेज गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्रा व KKV कॉलेज के समाज शास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जयशंकर पांडे होंगे। इस मौके पर प्रेस प्रभारी डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव मौजूद थे। आई इंडिया से समीर अख्तर की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।